हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और JSW स्टील के रिजल्ट आ गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मेरी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, स्टील सेक्टर बम्पर तेजी के संकेत। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक वीक पहले ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और बताया भी था कि JSW आप बाय कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेंबर्स ने इसको बाय भी किया था, प्रॉफिट भी बुक किया है। चलते हैं स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। 52 वीक का हाई है 773, 52 वीक का लो है 200। आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 87,31,309, डिलीवरी उठाई गई है 11,74,494, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है 13.45। रिजल्ट की बात करेंगे तो ये न्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे, JSW स्टील लॉग्स हाईएस्ट ईवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ऑफ 5,900 करोड़ इन Q1, यानी कि 5,900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है Q1 के अंदर। ये इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ सकते हो। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिए। JSW स्टील का मार्केट कैप है 1,73,206 करोड़, डेट है 62,366 करोड़, प्लेज परसेंटेज 14.8%। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.32 से 44.07, FII की कम हुई है 19.80 से 12.93, DII की 16.89 से 7.16, गवर्नमेंट की सेम है 0.51 से 0.51, पब्लिक की बहुत ज़्यादा है 19.92 से 34.92, अदर्स की 0.56 से 0.41। चलते हैं स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। ये है वन डे का चार्ट, RSI है इसकी 59, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। समवेयर कहीं एक वीक पहले मैंने स्टॉक 680 या 685 के आसपास दिया था, जिस टाइम ये W पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद से इस स्टॉक के अंदर अब आप लगा सकते हो कितना परसेंट हो गया, 680 से लेके अब तक मोर देन 5% लोग एग्जिट भी कर चुके हैं। बट आज भी टेलीग्राम मेंबर्स ने पूछा है कि सर बाय कर सकते हैं, तो देखिए बाय उन्होंने अगर किया होगा तो मैंने लेवल्स बताए हैं। पहला लेवल इसका 730 के आसपास है और रिजल्ट जैसे अच्छे आए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि ये अपना ऑल टाइम हाई ना टच कर दे। सेम अगर 1 आवर का चार्ट देखूं, 61 के आसपास में इसकी RSI है, एक बहुत अच्छा ऊपर पैटर्न बना के गया है और अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है। जैसा आप अगर देख रहे होगे, मैं बना के दिखा सकता हूँ, ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। उसके बाद में अगर ये ऊपर स्टॉक निकलता है 730 फर्स्ट लेवल होगा, उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई है। जो लोग इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं वो अभी रहने देना। जो लोग अभी इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं आप बने रह सकते हैं। मंडे को हो सकता है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो और उसके बाद से ऊपर चला जाए, तो आप बीच में अगर सोचोगे कि मैं एंट्री ले लूँ, आप फंस भी सकते हो। बिकॉज अब ये स्टॉक अगर टॉप पे जाने की कोशिश करेगा तो इस समवेयर अगर बीच में फंस गए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद से डाउन आ गया नीचे तो भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट है, मार्केट का सेंटीमेंट कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बट यस, टारगेट को ध्यान में रखते हुए चलिए, बिकॉज हम लोग उसमें से ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी हमारा कोई मन नहीं है इस स्टॉक में बाय करने का। स्टॉक बहुत हैं और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आप स्टॉक देख सकते हैं और जाके स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बिकॉज मैं कभी भी कोई भी स्टॉक टॉप पे बाय नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, 730 क्रॉस होगा ये ऊपर चला जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में। बट अभी इस स्टॉक में मेरी पर्सनल कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप फ्रेश एंट्री लीजिए। जो लोग इस स्टॉक में बने हुए हैं बने रहिए, जो लोग ऊपर के लेवल पे बाय करके बैठे हुए हैं 750 या 740 के आसपास में, वो बने रहिए। मंडे को आप इस स्टॉक से एग्ज़िट कर सकते हैं, जितना अच्छा प्रॉफिट आया उस हिसाब से ये एकदम स्पाइक देगा और गैप अप ओपनिंग होगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता हूँ। बट टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की मेरी बेस्ट एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप जाके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।